साथियों मैं जितेंद्र सिंह पेरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल से इंदौर फिजिकल एकेडमी सत्यादि शर्मा क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बताएंगे आज कि जो इंडियन आर्मी SSGD और RPF और मध्य प्रदेश पुलिस, जो भी मध्य प्रदेश पुलिस या भारत में किसी भी कोई प्रांत है जो पुलिस होती है उसका मेडिकल टेस्ट कैसे होता है। आज बात करेंगे दोस्तों मेडिकल टेस्ट दांतों वाला कि दोस्त दांत किस प्रकार चेक किया जाता है। इसके पहले हमारे साथियों बाहर स्टेट से आए यहाँ पर किस तरह ट्रेनिंग चल रही है तो मैं बिहारी बाबू साहब को मिलवाता हूँ कि पहले उनका टाइमिंग क्या रहा था और अब टाइमिंग उनका क्या रहा है। तो बिहारी बाबू के लिए बताने बजा दीजिए। जय हिंद साथियों। जय हिंद। मैं धनीश कुमार पांडे बिहार सिवान जिला महाराजगंज से स्पेशल इंडियन आर्मी के लिए आया हूँ। जब मैं यहाँ पे पहली बार आया था तो मेरी टाइमिंग 6:30 आती थी और आज सर की मेहनत से सर की वर्कआउट से मेरी टाइमिंग 5:02 आई है। सेकेंड लास्ट वाला हमने वीडियो अपलोड करा था आप देखिए उसमें 1600 मीटर का हमने 15 बच्चों का टाइमिंग डाला था उसमें, इसमें वो वाला बंदा भी है। तो दोस्तों अब बताएंगे आपको कि दांत का मेडिकल टेस्ट कैसे होता है कि जो इंडियन आर्मी SSGD या RPF या भारत के किसी प्रांत के राज्य की पुलिस हो उसका मेडिकल टेस्ट कैसे होता है। पुराने वाली वीडियो में हमने बता दिया कि नोक टेस्ट इस प्रकार होता है, एल्बो टेस्ट इस प्रकार होता है, आई टेस्ट इस प्रकार होता है, लेकिन स्पेशल वीडियो और फर्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दांतों का मेडिकल टेस्ट। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं जो मेडिकल टेस्ट होता है दांतों वाला किस प्रकार होता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आप सभी खुद जानते हैं कि हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं, लेकिन 32 दांत होना जरूरी नहीं है कि आप 32 दांत है तो आप मेडिकल टेस्ट में फिट हो, मानने नहीं जरूरी नहीं है ये चीज, हमेशा ध्यान रखना। और कभी आप मेडिकल टेस्ट चेक करवा रहे हैं तो जो भी आपके इंटरनल जो प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की कमी है, तो उस चीज को आपको इग्नोर करना है। कभी उस चीज को आप लेके बैठ गए तो कहते ना जिस चीज का आपको भय वही चीज आपको मरवाएगी। मेडिकल टेस्ट में कब डॉक्टर के सामने आप खड़े हैं तो आपको नॉर्मल तरीके से खड़े होना, हर बातों को इग्नोर करना है कि क्या कमी मेरे अंदर, मैं एकदम फिट हूं और खड़ा हूं। कभी आपको डर है कि मेरा चेस्ट कम है, मेरे दांत ऐसे, मेरे आंख कैसे, मेरा नाक कैसी है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, और कभी इस चीज पर आप वहां पर ध्यान दे रहे हैं तो आपको बाहर कर देंगे। अब दोस्तों बताऊंगा जो मेडिकल टेस्ट होता है टीत वाला वो किस प्रकार होता है। सबसे पहले आपका मुंह ओपन करवाएंगे, आपके मुंह में आपका मुंह पूरी तरह ओपन होना चाहिए, कम से कम आपके मुंह में 3 उंगली नॉर्मल तरीके से जाना चाहिए। कभी आपके मुंह में ओपन नहीं हो पा रहा है और 3 उंगली अंदर नहीं जा रही तो आपको वहां पर पॉइंट मिल जाएगा। बात आती नेक्स्ट वाली कि बोले सर जी हमारे दांत कुछ एक दो कम है, चल जाएगा नहीं चलेगा। जी हाँ, आपको किसी प्रकार की MS नहीं मिलेगी, आपको अंदर कर दिया जाएगा। कभी आपके 3 से 4 या 5 दांत कम भी है आपको 32 दांतों में से तो आपको वहां पर एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बात करूंगा दोस्तों कि दांत हमारे बहुत ज्यादा येलो मतलब पीले बहुत ज्यादा हो गए हैं और सड़न युक्त हैं तो वहां पर आपको पॉइंट मिल जाएगा, आप डॉक्टर की सलाह लें, उनको अच्छे से साफ करवा लीजिए। अब बात करूंगा दोस्तों कोई दांत, किसी का दांत ढीला होता है या सड़न युक्त होता है और इसके साथ में क्या होता है कभी कभी कीड़े पड़ जाते हैं हमारे दांतों में तो वहां पर भी आपको पॉइंट मिल जाएगा। बात का विशेष ध्यान दें और किसी प्रकार का दांत में कीड़े बहुत ज्यादा कीड़े लग रहे हैं, दांत आपके हिल रहे हैं तो वहां पर भी आपको पॉइंट मिल जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखना, हमेशा डॉक्टर मेडिकल टेस्ट दांत चेक कर रहा है, कभी आपके मुंह में से स्मेल आ रही है मतलब दुर्गंध आ रही है तो वहां पर भी आपको पॉइंट मिल जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की दांतों के अंदर या मुंह के अंदर बीमारी नहीं होनी चाहिए, जैसे पायरिया वाली बीमारी, तो इन बातों का विशेष ध्यान दें, आप नॉर्मल तरीके से मेडिकल टेस्ट करवाएं और आप सफल होंगे। आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं हमारे पास, बोले कि सर जी आपने मेडिकल टेस्ट के लिए नौकरी वीडियो डाला था, हमारा 1 से 1.5 महीना हमारा नौकरी प्रॉब्लम दूर हो गया तो बहुत अच्छा फील होता है। थैंक यू सो मच, क्योंकि आप सभी की वजह से हम इतना आगे आए क्योंकि बहुत जल्दी हमारे 1+ मिलियन सब्सक्राइब कंप्लीट होने वाले, जिसकी वजह आप सभी हो। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि हर एक स्टूडेंट को पता नहीं होता कि मेडिकल टेस्ट क्या होता है और वो डरते इस चीज से, बोले क्या होगा क्या होगा, और कहते ना जिस चीज का भय होगा वही चीज आपको मरवाएगा। तो ऐसे लिए आप फ्रीडम रहो, आजाद रहो, क्योंकि आप आजाद है और आजादी रहोगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।